गुलाम भाई खिचड़ी खाएंगे ना। अरे छोटिया मेरी रोरी रहे ठीक है अल्लाह हाफिज़ हैं। रिपब साढ़ा साढ़ा गाजर। हेलो गाइस दिस इज रेहान, आप देख रहे हो ऑफिशियल रेहान। सो गाइस हैप्पी मुबारक, हैप्पी जुमा मुबारक आप सभीयों, सभी भाइयों को, बहनों को जुमा मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से, हमारी फैमिलीज की तरफ से आपको और आपकी फैमिलीज को जुमा मुबारक हो। और अभी हम बोले तो जुमा पढ़ने जा रहे हैं तकिया शरीफ, खानकाह तकिया शरीफ में जा रहे गाइस। और ये रहा हमारा फुलवाड़ी शरीफ जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में तारीफ कर रहा था इस जगह की, बट बाढ़ आने के कारण ये बोले तो नदी में पानी आने के कारण काफी कट गया ये ग्राउंड, काफी लंबा चौड़ा ग्राउंड था गाइस ये। और देख सकते हैं हमारे साथ हमारे भाई लोग हैं और वे पीछे से इमरान भाई और शहबाज भाई पीछे से आ रहे हैं, वो लोग कुछ लोग आगे जा रहे हैं, कुछ लोग पहुंच गए। काफी आज लेट हो गया इस जुमा में, काफी लेट से हम लोग निकल रहे क्योंकि ठंड का टाइम था, कंबल से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था गाइस। और ये रहा पीछे हमारा हमारा गांव है ये पचम्बा। सो गाइस फाइनली हम लोग नमाज पढ़ के अपने घर होम घर में आ गए हैं। और यहाँ पे जब आए तो एक अचंभव देखने को मिला, अजीब सा चीज देखने को मिला मेरे को कि अभी बिरयानी बनना स्टार्ट हो गया, समझ रहे हो? वो भी चीज भी दिखा देता हूँ, इतना लेट में कौन बनाता है भाई। क्या बोलते हैं, एक तो नदी पार करके आओ, क्या बोलते हैं, नमाज पढ़ के आते आते भूख लग जाता है, पेट गुड़गुड़ाने लगता है, यहाँ पे आके देख रहा हूँ तो बिरयानी बन रहा है, तो पहले से बनाना के रखना चाहिए ना। व्हाट इज दिस, देखिए अभी आलू कटा रहा है, पता है अभी से पूरा मटेरियल रखा रहा है, देखिए देख रहे हैं, समझ रहे हो गाइस? ये सब देखिए, ये सब छोटी अम्मी और भाभी का करामत है कि इतना लेट में हम लोग खाना खाएं। टहुआते रहो, दो घंटा तक बनेगा, दो घंटा तक टहुआते रहो। हाँ सलाद हम लोग बनाएंगे, इतना लेडी तो रहते हो, सलाद हम लोग बनाएंगे नहीं, मेकअप करने से फुर्सत मिलेगा तब ना। अब ये लोग कह रहे हैं कि सलाद बनाओ, व्हाट इज दिस यार, ये कहाँ का फॉर्मेलिटी है भाई। तो भाई फाइनली सलाद तो बनाना ही पड़ेगा, जब वो लोग जिद कर रही हैं कि सलाद आप लोग बना लीजिए अगर जल्दी खाना है तो सलाद तो फिर बनाना ही पड़ेगा ना भाई, जल्दी तो खाना ही है हमको। व्हाट इज दिस, क्या है ये? रिपॉप सड़ा सड़ा गाजर एंड ये रिपॉप। छुरी वोरी ये छिलनी दीजिए ना जी, छिलनी से ना छिलेंगे। और कुछ है सामान जो छिल के रखने के लिए? बाप रे बाप, इतना बड़ा बड़ा टोकरा में हम सलाद बनाएंगे। व्हाट्सअप गाइस, क्या कर रही नहा ली? वाओ वेज माय सलाद, बड़ा मेहमान, बड़ा मेहमान, इधर 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 इधर। सो गाइस अभी आइटम पे आइटम अभी और आने वाला है, देख सकते हो पापड़, बहुत सालों बाद दिखा मेरे को पापड़। कहाँ जाता है मेरे बोले तो क्या बोलते हैं, सलाद का रिजल्ट मिल रहा है अभी यहाँ पे हम लोग खाने पे बैठे हुए हैं और बड़े बड़े मेहमान हैं यहाँ पे। मैं दिखा दूँ फर्स्ट फॉल में सबसे बड़े मेहमान से मिला दूँ आपको, देख रहे हो सबसे बड़े मेहमान हैं। गुलाम भाई खिचड़ी खाएंगे ना, बहुत बड़ा प्रिसमेंट है उनके लिए आज। थोड़ा सा देना, थोड़ा सा गाइस, थोड़ा घोल आ गया सामने, एक तरफ चाय भी चल रहा है जैसे कि देख सकते हैं भाई शहबाज चाय बढ़ा रहा है। गाइस अब नमाज अज़हर पढ़ लूं आफ्टर सलाह। सो गाइस मेरे जो छोटे छोटे दो अनमोल रहते हैं हाफिज़ आप लोग, ये लोग निकल रहे हैं अभी, जा रहे हो? हाँ जा। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से लिखिएगा, मतलब कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझ रहे? इस बार दस्तार ले लीजिएगा ना, चले माशाल्लाह, इसमें आप बैठा दीजिए। इन लोगों को थोड़ा छोड़ दूं वहाँ तक, गाड़ी तक गाइस। अरे छोटिया मेरी रो रही रहे
ठीक है, अल्लाह हाफिज़। गाइस अब्दुल्ला शहबाज भी चले गया है अब यहाँ से, अब हम लोगों की भी रवानगी आज ही है। तो आज हमारा राजधानी बस से टिकट है और बोले तो 8 बजे रात का हम लोगों का बस है गाइस। और मैं चाह रहा था उससे पहले कि आपको पूरा बोले तो मोहल्ला पूरा गांव दिखा दूं जाने से पहले, सो बने रहना मेरे साथ, मैं पहले गाँव आपको दिखा देता हूँ। वो जो दिख रहा है सामने गाइस, वो मदरसा हमारा मकतब, जहाँ से हम अली बेते से पढ़े हैं। ये मेरे फूफी का घर है ये वाला जो देख रहे हो आप। मुखिया जी का हमारा घर, और जो वो देख दिख रहा है ना आपको, वो वाला वहां पे कब्रिस्तान है हमारा। कैसा लगा मेरा विलेज तो प्लीज कमेंट करके बताना, हो सके तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो बेल आइकन प्रेस करना ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू।